हेलो फ्रेंड्स, आज हम लौकी का ऐसी रेसिपी लेकर के आए हैं जो कि हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। इसे बच्चे बूढ़े सब पसंद करते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो फिर चलिए बनाते हैं लौकी का हलवा। यहाँ पर हम बहुत ही छोटा सा लौकी लिए हैं और लौकी ताजी है। देखिए, इसे हम छील लेंगे। ज़्यादा बीज वाला लौकी नहीं लीजिएगा, नहीं तो हलवा अच्छा नहीं बनेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पर लौकी भी छिला गया है। अब हम इसे धो लेंगे। लौकी को काट कर नहीं धोते हैं। देखिए, यहाँ पर लौकी धो लिए हैं। अब हम लौकी का आगे भाग और पीछे भाग दोनों निकाल देंगे। देखिए, इस तरह से लौकी का आगे और पीछे का काट करके निकाल दिए। अब हम यहाँ पर लौकी को चार टुकड़ा में काटेंगे। लौकी का हलवा बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप लोग भी इसे ज़रूर से बनाइएगा, और हेल्दी तो होता ही है, साथ साथ टेस्टी भी होता है। देखिए, यहाँ पर इस तरह से चार भाग में काट लिए लौकी को। ऐसे तो लौकी का हलवा कभी भी बना करके खा सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जब व्रत रहे तो भी लौकी का हलवा बना करके खा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इस तरह से चार भाग में काट लिए हैं और अब ऊपर का बीज वाला भाग काट के हटा लेंगे। इसे हलवा में प्रयोग नहीं करेंगे। लौकी के बीज वाले भाग को हम सब्जी में डाल देंगे, इसे वेस्ट ना करेंगे। और यहाँ पर जो बचा हुआ है इसे हम कद्दूकस करेंगे। देखिए, और सब टुकड़े का भी इसी तरह से काट करके हटा लेंगे। हलवा में बीज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो हलवा अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चारों टुकड़ा का बीज हटा लिए हैं। अब हम यहाँ पर एक बर्तन लेंगे और इस चारों टुकड़ा को कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, हम मोटे वाले भाग से कर रहे हैं, चाहे तो आप पतला वाला भाग से भी कर सकते हैं। और लंबा लंबा टुकड़ा इसलिए रखे हैं ताकि लच्छा लंबा लंबा हो। देखिए, इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। बहुत ही आसान है बनाने में। आप लोग भी ज़रूर से बनाइएगा फ्रेंड्स। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और घंटी दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ पर देखिए, कद्दूकस कर लिए हैं लौकी का। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट सा कद्दूकस किया हुआ है। अब इसे हम भुनेंगे। भुनने के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम एक कढ़ाई चढ़ाए हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, हम इसे घी में भुनेंगे। यहाँ पर हम एक चम्मच घी डाले हैं। इसमें पहले ड्राई फ्रूट्स कुछ भून लेंगे। देखिए, यहाँ पर हम 8-10 किशमिश लिए हैं। किशमिश को हम पहले भून लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि किशमिश जल्दी फूल जाता है। देखिए, यहाँ पर किस तरह से फूल गया है। किशमिश बहुत ज़्यादा नहीं भुनाता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है, कड़वा हो जाता है। देखिए, किशमिश निकाल लिए। अब यहाँ पर काजू और बादाम लिए हैं, उसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो फ्रेंड्स, वही डालिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम डाले हैं वही डालिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स भी भुना गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और यहाँ पर एक चम्मच घी और डाल देंगे। यहाँ पर लौकी जो कद्दूकस करके रखे थे उसे डाल देंगे, और यहाँ पर चलाते हुए भुनेंगे फ्रेंड्स, ताकि लौकी का कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ पर देखिए कितना लौकी पानी छोड़ा है। लौकी को हाई फ्लेम पर भुनेंगे फ्रेंड्स चलाते हुए, तो 2-3 मिनट लगता है, लौकी भुन जाता है। देखिए, यहाँ पर पानी भी सूख गया है और लौकी कितने अच्छे से भुन गया है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग भी ज़रूर से बना करके खाइएगा। यहाँ पर उबला हुआ दूध लेंगे, गर्म दूध लेंगे, ठंडा दूध नहीं लेंगे, नहीं तो दूध फट जाता है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर दूध मिला देंगे, और चलाते हुए गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, लो नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए किस तरह से डाल के हम चला के मिला रहे हैं। बहुत ही जल्दी से बन करके तैयार हो जाता है हलवा फ्रेंड्स। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम थोड़ा सा मलाई डाल रहे हैं, और मलाई को भी हम अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट सा हलवा बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स। मीठे के लिए हम यहाँ पर चीनी डाल देंगे, और अभी चलाते हुए पकाएंगे।
बहुत ही स्वादिष्ट सा हलवा बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर अब ड्राई फ्रूट्स जो रखे थे वो भी थोड़ा सा डाल देंगे, थोड़ा गार्निशिंग के लिए भी रखेंगे। देखिए कितना अच्छा हलवा का कलर आया है, बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार हुआ है फ्रेंड्स। आप लोग भी जरूर से बनाइएगा। लेकिन हाँ, लौकी को जब भी भुनिएगा फ्रेंड्स घी में ही भुनिएगा। यहाँ पर हम 3 इलायची कूट के रखे थे उसे डाल दिए हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। घी में भुनने के बाद लौकी को हलवा टेस्टी सा बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स खाने में। देखिए किस तरह से हलवा तैयार हो गया है। चलिए अब हम सर्व करते हैं। यहाँ पर देखिए प्लेट में हलवा निकालें, ऊपर से जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे उसे भी डाल दिए हैं। टेस्टी सा हलवा बन करके तैयार है फ्रेंड्स, आप लोग भी जरूर बना करके खाइएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, घंटी दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।